क्या खूब पाए, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त ऐसा बदलता जरूर है। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 21 जून दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन सोमवार है, भोले शंकर भगवान का दिन है, भोले शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जब भोले शंकर भगवान लिखें, भोले शंकर भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नित ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्वान होते हैं उनकी चर्चा पूरे विश्व में होती है, हर एक कोई विद्वान व्यक्ति की तारीफ करता है और विद्वान व्यक्ति की संगत में रहना चाहता है, वही मूर्ख व्यक्ति की कहीं पूछ नहीं होती और मूर्ख व्यक्ति केवल अपने परिवार के बीच अपना महत्व साबित करने में लगा रहता है, पर मूर्ख व्यक्ति का कोई इज्जत नहीं होती, मूर्ख व्यक्ति अपने सदा ही अपनी मेहनता के गुणगान अपने मुंह से करता रहता है, मूर्ख व्यक्ति सदैव अपने दूसरों की ऊंचा से सम्मान मानने की कोशिश करता रहता है। और चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्वान होते हैं वह ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, इस और व्यक्ति मूर्ख होता है वह मूर्ति में भगवान को ढूंढता है। और चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपने तर्क को तर्क बातों में लगा रहता है, मगर जो व्यक्ति विद्वान होते हैं वह कभी व्यर्थ की तर्क उतर बातों में ध्यान नहीं देते। और इतना ही नहीं चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह दुनिया में एक सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, मगर जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वह दुनिया को कभी सीमित दृष्टिकोण से नहीं देखते। मित्रों यही था आज की चाणक्य नित का ज्ञान, पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाँच अंग के बारे में। पाँच अंग, 21 जून दिन चल रहा है सोमवार, तिथि चल रही है एकादशी, नक्षत्र चल रहा है स्वाति, ऋतु चल रहा है ग्रीष्म, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्योदय होगा 5:24 पर और सूर्यास्त होगा 7:08 पर। आज का शुभ समय 10:16 से 12:26 तक। आज का अशुभ समय 3:09 से 4:28 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 2 है और भाग्यशाली दिशा दक्षिण है और भाग्यशाली रंग ग्रे है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि, आपकी शिक्षा दिशा परिवर्तन होगा, शिक्षा की ओर से आपकी रुचि बढ़ेगी, नए कार्य सीखने में सफल होंगे और आप अपनी बातों को सत्य साबित करने में सफल होंगे, सावधान रहकर कार्य करने के दिन रहेंगे और दूसरों को न बताएं, कोशिश करें कि व्यर्थ की तर्क बातों से भी दूर रहें और माता पिता गुरु के प्रति निष्ठा भक्ति व प्रतिष्ठा में सहायक रहेंगे, पारिवारिक जीवन मामलों में समझदारी काम आएगी और लंबे समय से धन रुका हुआ मिलने की संभावना रहेगी, मेहमान आने से खर्चों में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य अनुकूल रहेंगे, सायकाल चोट के कुछ भय बन सकते हैं, सावधानी से रहें और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य महसूस करेंगे और आज आप अपनों शिकायतें दूर करनी होगी, उन्हें पूरा करें, बाहर में कहीं नौकरी के अवसर ढूंढ सकते हैं और सफलताएं भी मिलेंगी, कारोबार बड़े निवेश तैयारी होगी, युवा वर्ग मन पसंद कोर्स कर सकते हैं, कैरियर संबंधित पढ़ाई पर भी फोकस करना होगा और स्वास्थ्य को लेकर कमर दर्द परेशान कर सकती है, खास तौर पर महिलाएं इसके लिए सावधान रहें, घर को लेकर वो कुछ भावनात्मक फैसले लेने होंगे, कोशिश करें कि निष्पक्ष निर्णय लें और परिवार की सभी सहयोग करेंगे, कारोबार के वर्ग में समझदारी और पुराना अनुभव फायदेमंद रहेगा, इसका लाभ उठाएं, किसी को दिया हुआ उधार वापस मिल सकता है, युवा वर्ग आज आत्मविश्वास से बचना होगा और करियर पर फोकस करें, फिलहाल ग्रह की स्थिति अच्छे मुनाफे का इशारा करेगी और आज का दिन आपको अपने घर में आर्थिक आला सुधारने की कुछ प्लानिंग करनी होगी, कारोबार करेंगे तो बिक्री बढ़ाने के प्लान देखेंगे, नौकरी करेंगे तो परिश्रम देखेंगे और आज आप वाहन चला रहे हैं तो मन को एकाग्रित कर चलाएं, मोबाइल पर बात करना या संगीत सुनने में मग्न होने से हाशिए के भय बन सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी, सर्दी खांसी लेकर लेने की तकलीफ परेशानी महसूस करेंगे, संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आप सदस्यों के साथ संबंध
संबंध कुछ खराब हो सकते हैं और सदस्यों के विवादों में आपके दिन सामान्य और काम करना होगा। व्यापार कर रहे हैं तो संभव है कि छोटी यात्राएं कर सकते हैं और आपको व्यापार में आर्थिक लाभ मिलेगा। अधिक से अधिक लोगों को संपर्क में आपके फायदे होंगे और आज का दिन किसी लंबी ट्रैवलिंग का साकेत करेंगे। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं, इससे मानसिक शांति मिलेगी, मन में बड़े अच्छे विचार आएंगे और आप अपनी साइड इनकम पर भी ध्यान देंगे। इनकम में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको सफलताएं भी मिलेंगी। प्रेम संबंधों में अनुकूलता होगी और प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज अपने प्यार देखकर काफ़ी खुश होंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ कहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप आज के दिन खर्चे के योग बनेंगे और आप अपने परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर एक आनंदपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। आय में नए साधन होंगे और मेहनत करेंगे और सफलताएं भी आवश्यक मिलेंगी। आर्थिक स्थिति से वृद्धि के रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। निरंतर भागदौड़ की स्थिति रहेगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी महसूस करेंगे और आप उन कुछ तरंगों के बाद आसानी से पूर्ण करने की आवश्यकता रहेगी। बच्चों की भावनाओं के बारे में विचार जानने के अवसर उत्पन्न होंगे और आप अपने गुस्से को सोच शांति से नियंत्रण प्रगति करें और हम एक नए विचारों को सभी प्रशंसा मिलेगी। आज आपको किसी बड़ी चिंता से मुक्ति भी मिल सकती है, जिसके कारण आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्रों में आज का दिन शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी और अपनी वाणी में कठोरता न आने दें। पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। सोच समझ कर खर्च करने आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात के योग बनेंगे। किसी नए कार्य को शुरू करने से पहले एक बार वरिष्ठ या जानकार की राय ले सकते हैं। सायकाल से रात्रकाल तक छोटे छोटे आर्थिक कष्ट मान संभावना होगी। स्वास्थ्य की अति उत्तम रहेगा और कार्य क्षेत्र में नए विकल्प के बारे में विचार करेंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा, शत्रुओं को हानि होगी और छात्राओं की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगी। यात्राओं में लाभ होगा। पारिवारिक आज समय सहयोग उम्मीद मिलेगी। इस दिन अतः सूर्यदेव आपकी राशि में प्रवेश होंगे, जबकि आपकी राशि में ऐसी स्थिति बुध ग्रह रहेगी। इन्हीं स्थितियों में आपकी बुद्धि कुछ उल्टी सीधी महसूस करेंगे। ऐसे में मन छोड़े नियंत्रण रखने का प्रयास करें। सगे संबंधित व आपके संबंध मधुर होंगे। ढीले पड़े रिश्तों में प्यार स्नेह मजबूती आएगी और कार्य क्षेत्रों में उत्तम रहेंगे। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले